अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद रिजवान आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए तरह तरह के नुस्खे जात मुजर्रिबात लेके आता हूँ। आज मैं ऐसा नुस्खा लेके आया हूँ जो बूढ़े को भी जवान बना दे, जो कमज़ोर से कमज़ोर लागल इंसान को ताकतवर बना दे, जो नामर्द को मर्द बना दे और जिस्म को फौलाद बना दे। ऐसा घरेलू उपाय है बस ये, ठीक है। नुस्खे तो मैं आपको बताता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े ज़बरदस्त ऐसे होते हैं जिसे हर बंदा बना भी नहीं सकता। नंबर वन वाले नुस्खे होते हैं, लेकिन ये घरेलू उपाय भी बहुत अपना रिज़ल्ट ऐसा दिखाते हैं, बहुत नंबर वन रिज़ल्ट वाले नुस्खे होते हैं ये घरेलू उपाय भी, ठीक है। तो आप इसे भी इस्तेमाल कर लिया करें। कुछ भाई ऐसे हैं जिनके पास वक्त नहीं है और टाइम है ही नहीं उनके पास बनाने का, तो वो बना बनाया हमसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, जायका नहीं इसमें। लेकिन आइए मैं आपको बताऊं, बूढ़ों को जवान बना दे ऐसा नुस्खा आप तक पहुँचा रहा हूँ। आपसे मेरी गुजारिश है, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, आप अगर कमज़ोर हो चुके हैं जिस्मानी एतबार से, कमज़ोर हो चुके हैं मर्दाना ताकत से, कमज़ोर हो चुके हैं अपनी टाइमिंग को लेके, तो फिर इसे इस्तेमाल करें। आपको लेना है पीपल के दरख्त की छाल 6 ग्राम, पीपल की कोंप लें 6 ग्राम, पीपल की जड़ 6 ग्राम, तीनों चीज़ें 6-6 ग्राम ले लीजिए आप, तीनों चीज़ें 6-6 ग्राम आप ले लीजिए। 250 ग्राम गाय का दूध ले लें प्योर वाला, 250 ग्राम गाय का दूध लें। इस दूध में आप 1 किलो पानी शामिल कर लें और इन तीनों अज्जा को भी आप इसमें डाल दें। अब पकाने के लिए चूल्हे पे रख दें, जब पकते 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 आधा किलो रह जाए तो इसमें थोड़ी सी शक्कर मिला लें और मिलाने के बाद आप इसको पी जाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं नामर्द से मर्द बनूं, बूढ़े से जवान बनूं और कमज़ोर से ताकतवर बनूं, फौलाद मेरा जिस्म हो, तो फिर इसको जितनी मकदार में मैंने बताया है हर रोज़ इस्तेमाल करना है और 6 महीने तक लगातार आप इस्तेमाल करें और फिर कमाल देखें, नंबर वन आपका रिज़ल्ट आएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो शेयर ज़रूर कर दें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह होगी अगली वीडियो में फिर मुलाकात। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।